गुड मॉर्निंग गाइस, आज है बहुत ज़्यादा सर्दी और स्नो पड़ी है कल की, और हम लोगों का प्लान बना है बाहर जाने का, और या वी आर गोइंग आउट फॉर सम शॉपिंग। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी आज जो बाहर व्यू है वो दिखा दूँ कि कितना सुहाना सुहाना व्यू है। अभी गाड़ी थोड़ी क्लीन करनी है और ज़रा बैग शैग रख देते हैं। और गाइस, इस तरह से हम लोग जो है ना विंटर्स में इंजॉय करते हैं। लाइक मेरा इंजॉय होता है, बट इन लोगों के लिए मैं इंजॉय करती हूँ और ये लोग क्लीन करते हैं। ऐसे लंबा लंबा करती ना, आओ तुम भी ले लो मज़ा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम कनाडा में बहुत मज़े कर रहे हैं तो वाकई कर रहे हैं। कार मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है, कुछ थोड़ी सी खुद ही उतर जाएगी, इतनी सर्दियाँ मेरे से हो नहीं रही है। एंड गाइस, बाहर जाना आसान नहीं है बिल्कुल भी। बाहर जाने से पहले आपको सारा क्लीन करके जाना पड़ता है। हीटेड ग्लव्स भी तो हैं हमारे, वो भी यूज़ कर। चल मैं अंदर बैठूँ, आई थिंक बस कर दे फिर पढ़नी नहीं है। अच्छा मैं बैठने लगी हूँ गाड़ी में क्योंकि मैंने अपने हिस्से की गाड़ी साफ कर दी है। अब वो थोड़ा सा ड्राइववे क्लीन करेगी और फिर हम लोग जाएंगे। और अब हमने करना है सबसे पहले नाश्ता, क्योंकि सुबह उठते साथ ही तैयार होके हम लोग निकल गए हैं, तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट भी हम लोग बाहर ही कर लेंगे। सो ब्रेकफास्ट हम कहाँ करने वाले हैं वो भी मैं आपको जल्दी दिखाती हूँ। इट्स -3 बट बहुत ज़्यादा सर्दी है, फील्स लाइक -12। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम आई रियली अप्रिशिएट माई हीटेड स्टेयरिंग, के शुक्र है कि स्टेयरिंग आपका जो है हीट अप हो जाता है। मेरे नाखून कैसे लाल हो गए हैं सर्दी से। हाँ, और मेरे ग्रीन नीले पड़ गए हैं तेरे। मेरे नीले पड़ गए हैं। हम लोग आ गए हैं टेमिस पे और ये हमारे घर के बिल्कुल पास है। हाँ, अच्छा वेव टू, इट्स ऑल वेट, बी केयरफुल। अच्छा वेव टू ओपन, नॉट टच, कर वेव। फैंसी ये लड़की ना कभी नहीं समझेगी कि पहले कैमरामैन अंदर जाता है और फिर बाहर में हमेशा मेरे कैमरे में आ जाती है। हाय या, और हमारे घर की 5 मिनट्स की ड्राइव ड्राइव नहीं वॉक पे है। चेक दिस आउट, सो क्यूट। आई हैव फोर चीज बेगल विद एग एंड हैश ब्राउन। नो मीट, नो मीट। ओह माय गॉड, दे हैव क्रिसमस लाइक हॉलीडे गिफ्ट्स। हम यहाँ से भी कुछ ले सकते हैं कोई गिफ्ट वगैरह देने के लिए। फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। गाइस, वी हैव रीच्ड, मॉल के अंदर जा रहे हैं और ये वाला खुल जाएगा। ये देखें, खोल के पीछे खड़े होते हैं। ऑफ ये वैसे भी शदीद महंगा ब्रांड है। बहुत ही कलरफुल, प्यारे प्यारे से बैग्स हैं। इस पर कोई ऑफर नहीं लगी हुई है, बट उन पे 40% ऑफर चल रही है। एंड दीज आर गेस। अच्छा ये आई लाइक दिस, लेट्स सी अगर उसको पसंद आता है। इट्स 30% ऑफ के बाद है 98 का। लेट मी आस्क हर इफ शी विल लाइक दिस। सब पे 60% ऑफ नहीं है, कुछ पे 30 है, कुछ पे मिक्स है। ये देख कितना अच्छा है। सब पे 60% ऑफ नहीं है, मैंने जो आपको पसंद आएगा ना उस पे नहीं है। हाँ, मैं यही बता रही थी, इस पे 30% ऑफ है। थोड़ा मुस्करा दो, शॉपिंग का मजा नहीं आ रहा।
हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। केम टू कर्व्स और यहाँ से हम पूछ रहे हैं कि ये लोग अगर हमारा काम कर देंगे तो हम यहीं से कर लेंगे। सो आई हैव टू फिल दिस आउट। फेस वैक्सिंग के जो चार्जेस हैं, फुल फेस वैक्स अगर आप करवाते हो तो $54 हैं। और काफ़ी सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे, सब रेट्स लिखे हुए हैं, आपने क्या करवाना है। अगर कहाँ चला गया मेरा कन्फर्म। अच्छा वहाँ पर बुकिंग हो गई है, कह रही है वी आर फ्री, यू कैन कम नाउ। या मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, मेरी बहन की वैक्सीन स्टार्ट हो गई है और अब मैं अपनी करवाऊँगी। पहले हम लोगों का प्लान था कि हम लोग सारा घूमने के बाद फिर वैक्स करवाएंगे, बट अभी हमें मॉल में ही सैलून मिल गया तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से ही करवा लें। वैक्सीन करवाने के बाद, यहाँ से सर्विसेज लेने के बाद हम लोग जाएंगे बाकी की शॉपिंग करने के लिए। हमें मीट लेना है, ग्रॉसरी भी करनी है, आज हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो सब कुछ ख़त्म करेंगे और फिर वापस चलेंगे घर। मेरा सारा मेकअप उतर जाएगा, सिर्फ आई मेकअप रहेगा, बाकी जो भी ब्लश ऑन वगैरह सब कुछ उतर जाएगा। आईब्रोज इज डन, नाउ टाइम टू वैक्स माई अपर लिप्स। बहुत दर्द किया, बहुत दर्द किया, इतने टाइम के बाद मैंने आईब्रोज बनवाई हैं, बट इट्स सो क्लीन। सो गाइस, दोबारा से हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। हमने जो वैक्सीन वगैरह करवानी थी वो करवा ली है, जो कि हमने सोचा था हम लोग एंड में करवाएंगे सारे काम करके, बट नहीं, हमें मॉल में एंटर होते ही मिल गया था सैलून, तो हम वहाँ से अपनी सर्विसेज करा चुके हैं। नाउ वी आर एंट्रिंग इन मार्शल्स। ये मेरी बहन का फेवरेट स्टोर है, तो यहाँ से इसको कुछ जूते पसंद आ गए। हम बाहर से उसको विंडो में दिख गए थे, सो ये वाले जूते इसको पसंद आए, एंड दिस वन इज़ रियली गुड, पसंद आया। हाँ, मुझे वो दिखने में पसंद आ रहा है, बट ये ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, और महंगा भी आई थिंक वही है। ये मेरी बहन की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, बहुत बहुत शॉपिंग करती है ये, हर विज़िट में कहती है मेरे पास जूते नहीं है। हाँ ये लच्छे हैं, हर विज़िट में कहती है मेरे पास ये नहीं, हर विज़िट में इसकी कोई एक चीज़ ख़त्म होती है। गाइस मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, आधे ही अभी हमारा सफ़र हुआ है और इसी में मैं थक गई हूँ। गाइस अब लग चुकी है हमें भूख, और यहाँ पे मुझे एक फूड विलेज इंडियन पाकिस्तानी कुजीन दिखा है, तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं। अगर मुझे वहाँ से कुछ मिलता है तो वहाँ से हम लोग कुछ ऑर्डर करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर क्लोज्ड ऑन मंडे। मैंने कहा था चली जाए, मैं आ जाती हूँ। आई विल हैव चिकन बर्गर। तो यार मैं ना अपना कार्ड निकाल रही थी, मुझे मैं बिल पे करूँगी, पर मेरा कार्ड नहीं मिल रहा था और वो कहीं घूम चुका था, तो मेरी बहन कहती आ जा मैं ही पे करती हूँ। सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, बट लेट्स सी। नाउ दे आर सर्विंग प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन लेना चाहती है? पॉपकॉर्न। ज़्यादा नहीं ऑर्डर हो जाएगा लंबा। ओह माय गॉड, मेरी बहन के पास पैसे खत्म हो गए। ओके कितनी भूख लगी है? इतनी? और कितना ऑर्डर किया? नो बिगर देन योर भूख। आजो 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 यार, खाते खाते पार्टी का मेन्यू भी फाइनल कर लें, फिर घर जाके लिस्ट बनानी पड़ेगी। Oh my god, this looks nice. Yeah. And have some fries. बहुत कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इस वक्त सबसे अच्छा पिज्जा लग रहा है। Yeah, so right? And ये तेरी सॉस है। Let's start. गाइस फोटो में इतना प्यारा दिखा था कि मैंने कहा आज मैंने बर्गर ही खाना है, बट इट्स वेरी नॉर्मल सा। ओ बेसिक।